सरकार की ओर से हाल ही में पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद यहां चुनाव करवाने के लिए जिला प्रशासन को निगम का ढांचा तैयार करने के भी आदेश जारी कर दिए गए थे। सरकार के आदेशों के बाद जिला प्रशासन की ओर से बहुत ही शॉर्ट टाइम में निगम का संपूर्ण ढांचा तैयार कर लिया गया है। प्रशासन ने डिलिमिटेशन का काम पूरा कर लिया गया है। हालांकि इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से निगम के अंतर्गत आने वाले लोगों से ऑब्जेक्शन लगाने का भी वक्त तय किया गया था कि अगर किसी को इस मामले में हस्तक्षेप करना हो तो वो कर सकता है, जिसे उनके मन माफिक तय शर्तों के तहत बदला जा सके। प्रशासन की इस अपील पर लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए थे, जिन्हें प्रशासन ने अपने स्तर पर दुरुस्त भी कर दिया गया है। बावजूद इसके अभी भी अगर निगम को लेकर किसी को संदेह है या कोई ऑब्जेक्शन है तो वो डिविजनल कमिश्नर के समक्ष भी कर सकते हैं, जहां उनकी सुनवाई हो सके। जिलाधीश राकेश प्रजापति की माने तो 25 नवंबर को नगर निगम पालमपुर की रिजर्वेशन का पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। काबिले गौर हो कि नगर निगम पालमपुर में कुल 15 वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 14 के करीब पंचायतों को शामिल किया गया है। हालांकि पहले से ही पालमपुर नगर काउंसिल थी, जिसमें 12 पंचायतें थी, मगर अब निगम में 12 पंचायतें पूरी तरह से शामिल हुई हैं, जबकि 2 पंचायतें टेम्पररी बेसिस पर आई हैं, जिसके चलते अब निगम का दायरा भी 30 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ गया है। राकेश प्रजापति ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि 25 नवंबर तक तमाम वार्डों को रिजर्व कर लिया जाए, ताकि भविष्य में चुनाव आयोग के आदेशों के मुताबिक जल्द से जल्द चुनाव करवाए जा सकें। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए नोटिफिकेशन जो थी वो हो चुकी है, और उसके बाद डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे तरफ से पूरा कर दिया गया है। ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए थे, कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए थे, उन ऑब्जेक्शंस के हिसाब से हमने रिकमेंडेशन के तौर पे जो नोटिफाई करना था हमने कर दिया है। इसके उपरांत अब डिविजनल कमिश्नर के पास लोग छोटे मोटे जो ऑब्जेक्शंस होंगे या उनकी जो अपील्स होंगी वो दायर कर सकते हैं, और 25 नवंबर तक जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है कॉरपोरेशन का, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल 15 वार्ड बने हैं, और इसमें जो पुरानी हमारी म्युनिसिपल काउंसिल थी उसमें 14 पंचायतें ऐड हुई हैं, जिसमें 2 पार्शियली ऐड हुई हैं और 12 जो हैं फुली ऐड हुई हैं। उसके उपरांत जो एरिया है लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गया है, और अब हमारी कोशिश रहेगी कि 25 तारीख तक जो हमारे वार्ड्स हैं वो रिजर्व हो जाएं, और आने वाले समय में जैसा स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्देश होगा उसके अनुसार इलेक्शंस वहां पर निर्धारित तौर पर करवाए जाएं।